बियाहलू जहिए तू हम से ये जान कदिहलू हमार सर ध्यान कमर हिलाई के हाँ लाली लगाई के अरे तनिका सरानी बनाव कि अरे चूल्ही में चैली अरे तसली लगाव अरे तसली में असली कसैली पकाव चूल्ही में ये राजा चैली लगाव चूल्ही में ये राजा चैली लगा। आगे भगवान चाहेंगे जनता चाहेगी तो इस रोल में भी नजर आएंगे मूवी में बहुत जल्दी। यानी कि एक गायिका से नायिका बनने की तैयारी है। जब एक नायिका गायिका बन सकती है तो एक गायिका नायिका क्यों नहीं बन सकती है। कहीं आपका सीधा सीधा अक्षरा जी के तरफ से कुछ कहना तो नहीं। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बिल्कुल स्ट्रगल किया, उन्होंने बहुत मेहनत किया है। बाकी मैटर क्या है डज नॉट मैटर, बट उन्होंने जो किया है एक नायिका के साथ साथ एक गायिका और उनके गाने वाकई रील वगैरह पे ट्रेन करते हैं तो मैं सैल्यूट करती हूँ। बहुत मेहनती है, एक लड़की होने के नाते हम सभी को प्राउड फील होता है। अनदर नहीं कि इनका इनका झगड़ा है तो मैं उनका बड़ाई करूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। रियल मैं बता रही हूँ, एक लड़की होकर के उन्होंने बहुत मेहनत की है। मतलब निजी जीवन को छोड़ दे तो निजी जीवन को छोड़ दीजिए, एक लड़की होकर, और हम सभी लड़कियों को उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने लड़कियों ने उनका मैटर क्या है नहीं है मैं नहीं जानती, सीरियसली मैं नहीं जानती, लेकिन उन्होंने जो मेहनत की है, उन्होंने जो जनता के दिलों में जो छाप अपना छोड़ा है एज अ गायिका, बहुत अच्छा लगता है हम सभी को। अनुपमा जी, लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तब जाके नेम फेम मिलता है पुरुषों के मुकाबले, क्योंकि इंडस्ट्री को हमेशा बताया गया है कि ये पुरुष प्रधान रहा है, क्या आप भी इससे इत्तफाक रखती हैं? नहीं, मेहनत तो देखिए मेहनत तो दोनों को करना पड़ता है, जितनी मेहनत लड़कियां करती हैं उतना पुरुष भी करते हैं, लेकिन कई बार होता है ना लड़कियां जल्दी उड़ने के चक्कर में थोड़ा सीढ़ी लगा लेती हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो हम लोग बहुत साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि पुरुष प्रधान है तो सही बात है, आज भी हमारा समाज पुरुष प्रधान है और पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन नहीं, जितना पुरुष है उतनी महिलाएँ भी हैं अभी भी हमारे यहाँ। देख लीजिए बड़े भरत शर्मा व्यास जी को देख लीजिए, तो आज हमारी कल्पना दीदी को देख लीजिए, मतलब शारदा सिन्हा दीदी को देख लीजिए, इंदु सोनारी दीदी को देख लीजिए, मतलब जितनी है देवी दी हैं, कितनी भी लोग हैं देख लीजिए, अगर पुरुषों के मुकाबले लड़कियां भी कम नहीं है, पुरुष अगर है तो महिला भी आगे हैं किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए। अगर एक तरफा अगर पवन भैया खेसारी भी राज कर रहे हैं तो एक तरफा शिल्पी राज भी राज कर रही हैं, वही चीज़ें देख लीजिए। अनुपमा यादव भी राज कर रही हैं। अनुपमा तो कर रही हैं लेकिन अभी इस ट्रेन में अभी हम लोग को बहुत मेहनत करनी है, और शिल्पी वाकई बहुत सुंदर गाती है। तो अभी तो दोस्तों ये थी भोजपुरी की बड़ी सुपरस्टार गायिका अनुपमा यादव जी। अक्षरा सिंह के लिए क्या कुछ कहीं आप लोगों ने सुना, इनके विचार, इनकी बातें, इनकी जो भी सोच थी अक्षरा सिंह के लिए, ये अक्षरा सिंह को रेस्पेक्ट भी करती हैं और अक्षरा सिंह को आइडियल मानती हैं और साथ ही साथ पवन सिंह के साथ काम भी करती हैं। भाई साहब, इस तरह की मैनेजमेंट तो कोई बड़ा स्टार ही कर सकता है जो पवन सिंह के साथ भी काम कर ले और अक्षरा सिंह के साथ भी काम कर ले। तो आपको अनुपमा यादव की बातें कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे और बताएंगे कुछ और। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा आगे बढ़ा दीजिएगा, यानी कि दूर दूर तक फैला दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।